प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल पूर्व सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है और कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जिस पर टैक्स यह सरकार नहीं लगा रही। अब केवल हवा बची है जिस पर टैक्स नहीं लगा है, यह सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई नाम नया ढूंढ के लाए जो हमने भी नहीं सुना कि टॉयलेट टैक्स लगा है। 75 लाख की जनता है, सबके पास घरों में टॉयलेट सीट्स है। एक भी जनता का आदमी अगर ये बता दे कि किसी से अभी तक ना तो पानी के पैसे लिए गए हैं और ना इस प्रकार की कोई बात की है। ये हरियाणा चुनावों को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं को भी ये याद रखना चाहिए कि 2018 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने होटलों पर एडिशनल सीट जो लगनी थी उसके लिए सीवरेज का लगाया था, हमने उसको भी माफ किया है। तो इस प्रकार की बात करके पूरे नेशनल चैलेंज में वो चल रहा है। जो चीज गलत है वो गलत है। किसी प्रकार का ना तो कोई टैक्स हिमाचल की जनता पर लगाया है, किसी प्रकार की बिजली की सब्सिडी अभी तक हमने कहीं बंद की है और किसी प्रकार का बिजली के पानी के बिल पर हमने अभी कोई प्रकार का बिल उगाही की बात नहीं की है। हमने कहा है कि जो 5 स्टार होटल है, तकरीबन 1000 के करीब होटल ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाते हैं, क्या उनको मुफ्त पानी मिलना चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी 1 रुपया मिलनी चाहिए? हमने उसको कम किया है। आम जनता पर अभी हिमाचल प्रदेश की अभी तक कोई पानी का बिल नहीं भेजा गया है और ना ही कोई बिजली के बिल में अभी कटौती की गई है। इस प्रकार की बात करके बिना पढ़े लिखे आके बोलना कि ये लग गया वो लग गया, मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की द्वारा से 40 सीटें आई है वो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहे हैं। कभी ईडी के छापे नदौन में करवाते हैं, कभी कुछ आकर यहाँ करवाते हैं। इन प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। नड्डा जी केंद्र के मंत्री है, जो उनको सलाह देने वाले हैं वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर सलाह ले लेकर कि क्या उन्होंने किया है और हम उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। किसी अच्छे विषय को लेकर के अगर प्रदेश की चर्चा हो तो प्रदेशवासियों का सर गर्व के कारण जो है वो ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य हम सब हिमाचल वासियों का कि जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल सुर्खियों में आया तो उन मुद्दों के कारण हिमाचल का सिर नीचा हुआ है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन का विषय था, हिमाचल समय पर देने में सफल नहीं हो पाया। चाहे हिमाचल प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो झूठी गारंटी थी जिनको वो पूरा करने में असमर्थ हुई है और जिनसे मुख्यमंत्री ने तो मुंह ही मोड़ दिया है। चाहे हिमाचल प्रदेश में संजौली में जो घटनाक्रम घटित हुआ मस्जिद विवाद, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए, और चाहे उसके बाद आगे बढ़ करके एक बहुत ही ऐसा विषय जो जिस पर पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हंस रहा है, हिमाचल प्रदेश की जग हंसाई हुई है, और वो टॉयलेट टैक्स है। टॉयलेट टैक्स के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों पर उस पर भी जो है जो वहां पर क्वालिफाई होने के लिए जो टेस्ट देते हैं उस पर भी जो है वो ग्राउंड के लिए जो है उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। ग्राउंड टेस्ट के लिए उसके लिए भी जो है उनके लिए टैक्सिंग हो गई। ये भी एक नई एडिशन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुई है। और मैं समझता हूँ आज हिमाचल प्रदेश में रोजगार बंद है, कर्मचारी चयन आयोग बंद कर दिया गया था, 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद अभी तक उसको फंक्शनल नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बहुत
बड़ा चिंता का विषय ये बना है कि बहुत बड़े स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, विधायकों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर भ्रष्टाचार जो है हिमाचल प्रदेश में संरक्षित होकर के बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।